तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेडमी नोट 10 इंडिया के यूज़र आपको हैं पता है कि आपके रेडमी नोट 10 में आपको MIUI का 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट आपके रेडमी नोट 10 इंडिया के वेरिएंट में देखने के लिए मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, आज यहां पे रेडमी नोट 10 इंडिया के लिए एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। MIUI का 12.5.2.0 का RKGINXM और इस अपडेट का साइज़ आपको 322 MB का देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ आपको इसमें सितंबर का ऑफिशियली सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, रेडमी नोट 10 ऐसा पहला डिवाइस है जिसको सितंबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल गया है। और इसके साथ साथ आपको इसमें यूजिंग फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक साइमल्टेनियसली लेड टू क्रैशेस इन सम केसेस। तो आपका ये वाला जो बग आपको MIUI के 12.5.1.0 में देखने के लिए मिल जाता था, तो आपका ये वाला बग इसमें सक्सेसफुली। और फ्रेंड्स, इस वाले बग के फिक्स के साथ साथ आपको इसमें स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन शेड में भी क्लीनर एनिमेशन वर्ड नॉट डिस्प्लेड करेक्टली, आपका ये वाला बग भी इस वाले अपडेट में फिक्स हो चुका है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इस अपडेट में हमें कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेडमी नोट 10 के MIUI के 12.5.2.0 में कुछ भी न्यू फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये वाला अपडेट में आपको केवल सितंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच और इसके साथ आपको इसमें लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन शेड में आपको एक चेंज देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है रेडमी नोट 10 इंडिया यूज़र के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की गुड न्यूज़ रेडमी नोट 10 से रिलेटेड कि उनके लिए यहाँ पे न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI का 12.5.2.0 का 322 MB के साइज़ में, और इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच सितंबर का और इसके साथ आपको इसमें ये दो चेंजेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।